जय श्री राम स्टूडेंट्स, हम किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट करेंगे। फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने स्टार्टिंग के फोर किंगडम्स को कवर कर लिया है। लास्ट किंगडम एनिमिलिया हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार देख लेंगे। ठीक है, हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमें डिटेल में प्लांटियर एनिमिलिया किंगडम को पढ़ना है। तो फर्स्ट किंगडम हमने मोनेरा रीड किया, सेकेंड किंगडम हमने प्रोटिस्टा रीड किया, थर्ड किंगडम हमने किंगडम प्लांटी रीड किया, देन किंगडम फंजाई एंड द फिफ्थ किंगडम इज किंगडम एनिमिलिया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। ओके चलिए, और जब ऐप पे भी स्टूडेंट होंगे तो उनको भी विश कर रही हूँ, अभी उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम किंगडम एनिमिलिया को। तो किंगडम एनिमिलिया को मल्टी सेलुलर, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने यहाँ कोई इमेज नहीं ली है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल में आप कोई सा भी एनिमल कंसीडर कर सकते हो, आप कॉकरोच कंसीडर कर सकते हो, रेप्टाइल है, फ्रॉग है, ह्यूमन बीन है, बर्ड्स हैं, ठीक है, स्टार फिश है, ऑक्टोपस है, ये सारे किंगडम एनिमिलिया के ही मेंबर है। और किंगडम एनिमिलिया के इन्हीं मेंबर को मल्टी सेलुलर कंज्यूमर भी कहा जाता है। ये अपने आप में यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं। इनकी बॉडी में सेल वॉल की एब्सेंस होती है, इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो हेटरोट्रॉफिक रहेगा। ओके बेटा जी, और जो इनकी बॉडी है इनमें स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाएंगे फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेसेस। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें जो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ में आप देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फिनोमिनन होंगे, जैसे हाइड्रा देखे तो हाइड्रा में बर्डिंग, टॉरुलेशन, इस तरह के ए सेक्सुअल मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके अलावा और रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म में दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगे, जो कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई एक्टिविटी करवाएंगे। तो किसी की बॉडी सिंपलेस्ट होगी, तो किसी की वेल डेवलप्ड बॉडी होगी विथ सिस्टम। तो यहाँ पर हमको ये सब कुछ यहाँ पर समझना है। तो चलिए वन बाय वन हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कि किंगडम एनिमिलिया को क्या कहा जाता है। कैरेक्टर्स नोट करेंगे, द फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर। देखो बेटा, इस स्टेटमेंट से पहली बात तो ये क्लियर हुई कि हम सबसे लास्ट किंगडम रीड कर रहे हैं, तो जनरली वो यूकैरियोटिक ही होगा, कोई प्रोकैरियोट नहीं होगा। कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स मिले हैं नेचर में जो प्रोटोजोआंस में आते हैं, तो कहीं कहीं पर एनिमिलिया किंगडम में प्रोटोजोआन को भी कंसिडर किया जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन अलग तरीके का होगा, कुछ साइंटिस्ट का इस किंगडम को बताने का क्लासिफिकेशन अलग होगा। ओके, मल्टी सेलुलर है और कंज्यूमर है, मतलब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। तो तीन फीचर तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर कंज्यूमर, पहली बात। दूसरी बात कि ये क्या शो कर रहा है, मल्टी सेलुलरिटी, इसे नोट कर लेंगे। चल, मल्टी सेलुलरिटी शो कर रहा है, देन यूकैरियोटिक इन नेचर है, क्योंकि लास्ट है तो मतलब हाईली इवॉल्व होगा, और बाकी चार किंगडम के कंपैरिजन में ये एडवांस होगा और मोर कॉम्प्लेक्स भी होगा, इसीलिए यूनिकैरियोटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी, मैं आपको बता दूँ सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी, और ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और समटाइम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा। ठीक है, हाँ जी राधे राधे, हाँ जी बिल्कुल, जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल, सब बोल चुकी हूँ बेटा, है ना, जो तुमने मुझे विश किया है वैसा रिप्लाई सेम। ओके, हाँ जी राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सब बोल दिया, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर आप लोग सुनो बस और कुछ नहीं। तो सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट,
अगर कहीं लिखा है कॉन्ज्यूमर, देखो बेटा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, ये हमें तीन चार पॉइंट्स को कंप्लीट करवाएगा। मल्टी सेलुलर है, दैट मीन्स बॉडी एक सेल से मिलकर ज़्यादा बनी हुई है, एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर बॉडी बनी हुई है। दूसरी बात, अगर ये लास्ट किंगडम है मतलब यू कैरियोटिक तो है। मल्टी सेलुलर जनरली यू कैरियोटिक ही होते हैं अधिकतर, सामान्यता अगर हम देखें तो। इसके अलावा लिखा है कंज्यूमर, मतलब ये हेटरोट्रॉफ है। कंज्यूमर क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये बात क्लियर हुई। अगर ये हेटरोट्रॉफ है तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, मतलब सेल वॉल एब्सेंट होगी, प्लास्टिड भी एब्सेंट होगा। ठीक है, फंजाई जो है वो सेल वॉल बियर करके रखता है भले ही वो हेटरोट्रॉफिक क्यों ना, तो वो एक एक्सेप्शन है। और थोड़ा सा इवॉल्व हो गया तो भाई सेल वॉल गायब, अब सिर्फ वो हेटरोट्रॉफ रहेगा। तो यही है कॉम्प्लेक्स। हाँ, बेटा इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ इस तरह से मतलब आप बोल भी देंगे ना तो मेरे द्वारा कोई मदद नहीं हो पाएगी। आई एम हेल्पलेस फॉर यू बेटा जी, प्लीज़। हाँ मैंने विश ले लिया बेटा। बेटा यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है और सारी टीचर्स भी रहती हैं, तो देखिए उससे वो टीचर्स भी प्रॉब्लम में आएगी और सबके लेक्चर कवर नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाइन्थ क्लास नहीं हो रही, यहाँ पे बेटा नर्सरी से क्लासेस लग रही है ना, तो प्राइमरी सेक्शन से लेके हायर क्लासेस के लिए मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ही अकेली पढ़ाऊँ ऐसा ज़रूरी नहीं, बहुत सारी टीचर्स होती हैं और उनके एक टाइम लिमिटेशन होती है और उस टाइम लिमिटेशन में उनको पढ़ाना होता है, तो मुझे यही टाइम दिया गया है तो मैं इसी टाइम पे आपको प्लीज़ पढ़ा सकती हूँ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करूँ अब बताइए आप। सेल वॉल इज एब्सेंट, देन हेटरोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, हेटरोट्रॉफिक पजेसेस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये कैसा रहेगा बेटा जी? ये रहेगा मोस्टली इंजेस्टिव या होलोजोइक लिख लो, होलोजोइक, एंड सम आर शोन, सम आर एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते, सम आर एब्जॉर्प्टिव। एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं इसको। ये लिख लिया, सेल वॉल एब्सेंट, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है, रिप्रोडक्शन लिख देते, चलो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लिख लेंगे, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन और भी फीचर्स होंगे तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस प्लेस एट सेंटर, ओके तो सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, जबकि इसमें सेंट्रल व्यू वैक्यूल था, सेंट्रल न्यूक्लियस। इस अकर पाया जाएगा, इस फाउंड, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें डिफरेंस याद है तो उस डिफरेंस में हम निकालेगा था डेफिनेट शेप एंड साइज होगा, ओके तो वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, डेफिनेट शेप साइज, ठीक है, सॉरी डेफिनेट, वेट अ मिनट, ठीक है, लिमिटेड शोन, लिमिटेड ग्रोथ या दे हैव अ लिमिटेड ग्रोथ, ऐसा लिख सकते हैं, ओके ओके क्लियर। एंड देन पजेस लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पजेस या एग्जिबिट, एग्जिबिट लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड फ्यू आर फर्मली अटैच्ड, या फ्यू आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू द बेसल सरफेस, ठीक है, फॉर कुछ रहते हैं जो अटैच रहेंगे, बट ये मोस्टली जो होंगे वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो करेंगे, पजेस लोकोमोशन मूवमेंट मोस्टली। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फीचर हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि एनिमल जो है वो क्या हुआ होगा। जैसे अब हम एग्जांपल भी ऐड कर लेते हैं, एग्जांपल में क्या आएगा बेटा जी, प्लास्टिड इज एब्सेंट लिख दो,
सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट लिख दो तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सेल डिवीजन जो होगा वो इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा, तो आप लिख सकते हो। अगर आपको डिटेल में कमेंट लिखना है या फीचर इंक्लूड करना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि प्लास्टिड इज एब्सेंट। जब सेल वॉल एब्सेंट है तो नो डाउट प्लास्टिड, सॉरी जब हेटरोट्रॉफिक है तो प्लास्टिड होगा ही नहीं, ओके प्लास्टिड इज एब्सेंट। ये एक दूसरे से इंटरलिंक टर्म्स है, ठीक है, बट आप लिख सकते हो अगर आपको अपने स्टेटमेंट में अपने स्टेट आंसर को लेंथी बनाना है, देन ओके देन आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल शुरुआत से करती हूँ, मैं ले लेती हूँ, ऐसे लेती हूँ जो आप लोग को याद है, अर्थवर्म, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, बोथ, ये भी इंसेक्ट का ही प्रकार है, ये भी इंसेक्ट का ही प्रकार, ठीक है। चलो इससे इंसेक्ट तो मुझे बहुत सारे याद आ गए, है ना, बटरफ्लाई हो गया, एंड देन स्टार फिश, बहुत सारे एग्जांपल है, स्टार फिश, बर्ड्स, फ्रॉग, कॉकरोच, है ना, बर्ड्स है, फ्रॉग है, एंड ह्यूमन एसेट्रा, बैट भी है, ब्लू वेल भी है, एलिगेटर है, बहुत सारे, ठीक है। ठीक है चलो इधर देख लो, हाँ जी गुड मॉर्निंग गुरिंदर, हाँ गुड मॉर्निंग सूफी, जितने भी स्टूडेंट है, स्क्रॉल हो जाता है ना तो नहीं दिखता बेटा, तो मैं सभी को विश कर रही हूँ, मैं सोचता मैंने नहीं किया क्योंकि मैं देख नहीं पाऊँगी, बार बार वही इसमें ही लगूँगी तो मैं देख नहीं पाऊँगी, ऐप पे भी चेक कर लेती हूँ, नहीं तो आप मेरे प्यारे बच्चे नाराज़ हो जाओगे कि मैडम आप तो देखते ही नहीं हो कि, हाँ जी चलिए, गौरव, अपर्णा, हाँ जी बिल्कुल ओके, थैंक यू अपर्णा, मतलब आपको याद था, मुझे लगा शायद याद नहीं होगा, चलिए आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है, मेरे तो सिर्फ यही विश है कि तुम अच्छे नंबर से पास हो और कुछ अच्छा ही करो लाइफ में, है ना, जैसे पेरेंट्स को प्राउड फील हो और मुझे भी प्राउड फील हो, मैं बोलूँगी जाते हो हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, हाँ इसने ये काम किया, ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम करना है आप लोगों को, पर अच्छा काम जिससे खुशी हो, दुख ना हो कि ये मेरा स्टूडेंट है, ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ जी थैंक यू बेटा अविरल, थैंक यू बेटा। चलो तो ये हो गया एनिमिलिया के, मैंने इमेज नहीं ली क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है। चलिए तो अब हम देखेंगे प्लांटी किंगडम को डिटेल में, हम किंगडम प्लांटी एनिमिलिया को क्यों पढ़ते हैं, हमें फंजाई को भी पढ़ना चाहिए था, हमें मोनेरा को, प्रोटिस्टा को भी पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये तब आप पढ़ेंगे जब आप पीसीबी लेते हो, पीसीबी में आप इन सारे किंगडम को डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन आपके लिए प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम ज़्यादा फेमिलियर है और हमें आसपास से देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इनको सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हाँ जी थैंक यू अक्षिता, थैंक यू बेटा, यू टॉकिंग टू मी आलोक, आई ऑल्सो डोंट नो कितना देख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो किंगडम प्लांटी हम डिस्क्रिप्शन सब कुछ देख चुके हैं, मैं सिंपल आपको किंगडम प्लांटी बता देती हूँ, किंगडम प्लांटी क्या होता है, मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर होता है, किंगडम प्लांटी जो है यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होगा, कुछ ऐसे उसमें एग्जांपल्स आपको दिखेंगे जो सिंपल होंगे, कुछ इसमें ऐसे मेंबर होंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जनरली सेल्युलोसिक होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल होगा, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें प्लास्टिड में अलग अलग टाइप के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये अलग अलग प्लास्टिड होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये न्यूट्रिशन मोस्टली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक करेंगे और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें भी जनरली इंजेस्टिव सॉरी एब्जॉर्प्टिव वाला मोड शो करेंगे। रिप्रोडक्शन इसमें आपको सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ दैट मीन्स स्पेशल जो पार्ट्स दिखेंगे वो एक्सटर्नल ऑर्गन के फॉर्म में मिलेंगे, तो ये सारे जो फीचर है किंगडम प्लांटी के हैं, ठीक है। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू वेरी मच, ओके चलिए तो अब लिखना स्टार्ट करें, होलोजोइक और सब बता चुकी हूँ, अब मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल में बताने वाली नहीं हूँ,
ओके तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका क्लासिफिकेशन. पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पर आपको नोट करना है क्लासिफिकेशन. प्लांटी किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा. प्लांटी किंगडम में मेंबर्स आते हैं जैसे एल्जी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ट्रैकियोफाइट में एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. दीज आर द मेंबर, दीज आर द क्लासेस ऑफ किंगडम प्लांटी. तो किंगडम प्लांटी के फीचर को हम समझ चुके हैं. अब हम उसके टाइप्स देख रहे हैं. ये कहीं पर भी अकरेंस इसकी कहीं भी हो सकती. आप एल्जी देखोगे तो जहाँ मॉइस्ट प्लेस होगी वहाँ पे एल्जी मिलेगा. ब्रायोफाइट जो होगा वो आपको जो एक्चुअल में वेस्ट या बोल सकते हैं यूटेंसिल्स होते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, वहाँ पर आपको ब्रायोफाइट के मेंबर देखने को मिल सकते हैं. और इसके अलावा फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं. टेरिडोफाइट को आप देखेंगे तो टेरिडोफाइट ट्री होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं इनके अंदर. जिम्नोस्पर्म आप देखोगे तो जिम्नोस्पर्म भी एक तरह का टेरिस्ट्रियल प्लांट होता है. अब आप बोलोगे मैडम टेरिस्ट्रियल प्लांट क्यों, क्योंकि एल्जी में कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी आते हैं, पानी में रहने वाले पौधे आते हैं, ठीक है, ज़मीन पर रहने वाले पौधे आते हैं. तो पौधों को क्लासीफाई हर तरीके से किया जाता है, ठीक है. एक्वाटिक मोड पे भी करेंगे और टेरेस्ट्रियल मोड पे भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट मोड पे, कॉम्प्लेक्स मोड पे. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग सभी? हाँ, थैंक यू बेटा संतोष. जितने भी स्टूडेंट मुझे विश कर रहे हैं उन सभी को मैं एडवांस में बोल रही हूँ थैंक यू वेरी मच बेटा. अगर मैं नहीं आपका कॉमेंट देख पा रही हूँ तो मैं अभी आपको थैंक यू जो रिप्लाई दे रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझे विश कर रहे हैं, ठीक है. चलिए अब सुन लीजिए क्लासिफिकेशन. वैसे तो किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन बहुत सारे दिए गए, लेकिन जो मोस्टली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है हम उसी क्लासिफिकेशन को समझेंगे. जो अधिकतर उपयोग में आने वाला क्लासिफिकेशन है हम उन्हीं क्लासिफिकेशन को समझेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मैं यहाँ पे एक रे डायग्राम बना करके क्लासिफिकेशन को समझा रही हूँ. आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ से कॉपी कर लीजिएगा, जैसा आपको करना है. तो कुछ फीचर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फीचर किंगडम प्लांटी क्लासिफाइड इंटू मैनी मेंबर्स ए कैटेगरी. ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स, कुछ फीचर के आधार पर किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई किया है. एंड वॉट आर द फीचर्स, चलिए तो वन बाय वन हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. देख लेते हैं हमने कितना एरिया इसमें कवर कर लेना है. नहीं होगा तो ठीक है, हम यहीं पे बनाने की कोशिश करेंगे. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना. प्लांटी मैंने लिखा है, प्लांटी क्या है, किंगडम. हम यहाँ पर सब डिवीजन, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली सबका मर्ज है, लेकिन सिर्फ हम नाम से जानेंगे. हमें रैंक से अभी कोई लेना देना नहीं. रैंक हम बाद में समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम क्लासिफिकेशन में इसके मेंबर्स को समझेंगे कि किसके बाद कौन सा मेंबर आएगा, कौन पहले कौन बाद में, ठीक है. हाँ, थैंक यू सूफी. प्लांटी किंगडम में पहला फीचर, प्लांटी डू नॉट हैव प्लांट्स डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड. डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है मैं बता रही हूँ. डिफ्रेंशिएटेड मतलब द पार्ट, द डिफरेंट पार्ट आर नॉट विजिबल क्लियरली. ओके, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है रूट, स्टैम, लीफ हमें नहीं मिलेगी, नॉट अवेलेबल. रूट, स्टैम, लीफ, ब्रांचेस आर नॉट अवेलेबल इन सच काइंड ऑफ मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, ठीक है. रूट, स्टैम, लीफ, दैट मीन्स द प्लांट डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पैटर्न या बॉडी टाइप. ओके, जो आप लिखना चाहें. और इस तरह के पैटर्न को पता है बेटा जी क्या कहा जाता है, लिख रही हूँ, थैलस. इसे थैलस कहा जाता है, मतलब थैलस ऐसी बॉडी होगी प्लांट की जिसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं मिलेगी, फिर भी वो प्लांट है. हम प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या समझते हैं, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ है. पर कुछ ऐसे भी लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं या सिंपलेस्ट प्लांट है जिनमें इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक सिग्नेचर या साइन नहीं मिलेगा. ओके, इसमें आ जाता है, देखिए पहले क्या था, इसमें थैलोफाइटा को इंक्लूड किया था. उस थैलोफाइटा में ज़्यादा जगह तो नहीं गिर गई, इसमें एल्जी एंड फंजाए आता था, ठीक है, एल्जी एंड फंजाए. लेकिन बाद में फंजाए को सेपरेट किंगडम में शिफ्ट कर दिया. दैट मीन्स इसमें आएगा सिंपली एल्जी मेंबर. नाउ
अगर ऐसा प्लांट है जिसमें बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो क्या जरूरी सारे प्लांट्स ऐसे? नो, देयर इज अ मैनी प्लांट विच हैव अ कंप्लीट बॉडी पैटर्न और डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पैटर्न. तो आप क्या लिख सकते हो? हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पैटर्न या बॉडी टाइप, बॉडी प्लांट बॉडी जो आप लिखना चाहो, हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पैटर्न. बॉडी पैटर्न के अलावा इसमें हमको कुछ और भी वेरिएशन देखने को मिले तो चलिए वो वेरिएशन हम यहाँ नोट करेंगे. बॉडी तो इसकी हमको मिल रही कि भाई ऐसी है वैसी है, हमने देख लिया ऐसी है मतलब डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, वैसी है मतलब डिफ्रेंशिएटेड है. तो उसमें कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडीज या प्लांट के मेंबर्स आ रहे थे जिनमें वैस्क्यूलर सिस्टम नहीं था, विदाउट वैस्क्यूलर टिश्यू, विदाउट वैस्क्यूलर टिश्यू थे, और कुछ विथ सॉरी विदाउट एंड विथ वैस्क्यूलर टिश्यू, विथ वैस्क्यूलर पैटर्न भी बोल सकते हैं, वैस्क्यूलर टिश्यू भी बोल सकते हैं, जो आप लिखना चाहो. क्योंकि वैस्क्यूलर का मतलब प्लांट में हम समझ सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. तो कुछ ऐसे प्लांट थे जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड थी बेटा, ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी में, थैंक यू सलोनी, आप लोग भी अमेजिंग बच्चे हो, सुन लेते हो ना, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो अभी मेरी बात आपको सुननी है और इसको देखना है. ओके, तो बॉडी डिफ्रेंशिएटेड थी लेकिन उनमें वैस्क्यूलर टिश्यू नहीं थे, और बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन उनमें वैस्कुलर टिश्यू है. तो उसमें हम एग्जांपल लिखेंगे, उसमें हम मेंबर लिखेंगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स. चल इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपको जो मेंबर है ना वो दिखने लग जाए. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एलजी ओनली. ये क्लियर हो गया बेटा जी? अब इसमें ही आगे बढ़ेंगे. तो कुछ जिनमें, कुछ प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यू था लेकिन किसी में सीड नहीं बन रहे, तो किसी में सीड बन रहे थे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम एक और स्लाइड ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू तो यहाँ लिखेंगे. किसी में सीड थे, कुछ विदाउट सीड थे, तो कुछ सीड फॉर्म कर रहे थे सीड, तो इसको ऐसा लिखेंगे सीड आर नॉट फॉर्म्ड. Seeds are formed. ऐसे लिख लो, Seeds are formed. बनते हैं. इन्हें फैनेरोगैम्स भी कहते हैं, लिख देंगे बाद में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है. Seeds. अरे यार स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता है फिर. Seeds are not formed. तो इसमें आ जाएगा आपका टेरिडोफाइट. तो मैं इधर लिख देती हूँ टेरिडोफाइट. ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड थी, विथ वैस्क्यूलर सिस्टम थी और सीड बन रहा था, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सीड जो है या तो वो विथ सीड कोट है या विदाउट सीड कोट है. तो चलिए हम एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लेते हैं हमारे समझने के लिए. ओके, चले स्लाइड की हेल्प से फिर से समझे. ये देख लिया हमने, हमें क्या मिला कि एक तो प्लांट जो है जिसकी बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है, ऐसी बॉडी को हम थैलॉइड बॉडी या थैलस कहेंगे, जिसमें मेंबर आएगा थैलोफाइटा या एलजी. तो पहला हमारा मेंबर हमें मिल गया विच इज़ द सिंपलेस्ट, विच इज़ द लोअर मोस्ट क्लास ऑफ द किंगडम प्लांटिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव अ डिफरेंशिएटेड बॉडी पैटर्न, बट सम हैव विथ वैस्कुलर सिस्टम एंड सम विदाउट वैस्कुलर सिस्टम आर, मतलब दैट मीन्स आर फाउंड, इज नोन एज ब्रायोफाइट. द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइट. अब कुछ में वैस्कुलर टिश्यूज हैं विद डिफरेंशिएटेड बॉडी, बट सम आर नॉट प्रोड्यूस्ड सीड एंड सम आर प्रोड्यूस्ड सीड्स, एंड विच इज विदाउट द सीड वैस्कुलर प्लांट डिफरेंशिएटेड बॉडी पैटर्न, हैव ए वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर टिश्यू और बॉडी पैटर्न डिफरेंशिएटेड इज नोन एज वॉट, इज नोन एज ब्रायोफ टेरिडोफाइट्स. ठीक है, अब ऐसे प्लांट जिनमें देखो
सीड बन रहा है, वैस्कुलर टिश्यू भी, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड भी है, लेकिन ये जो सीड है, तो चलो इसको हम आगे कंटिन्यू करें। ये जो सीड है, ये सीड कैसा है, ये सीड कैसा रहेगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सीड विदाउट सीड कोट, ठीक है, हो जाएगा। सीड कोट इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सीड विथ सीड कोट, विथ सीड कोट, तो ऐसा सीड जो विदाउट, ऐसा प्लांट जिसमें सीड बिना सीड कोड के बन रहा है, वैस्कुलर टिश्यू भी है, बॉडी डिफरेंशिएटेड भी, तो उसे हम कहेंगे टेरिडोफाइट्स। लिख देती हूँ मैं टेरिडोफाइट्स। अच्छा अभी मैंने गलत बोल दिया था ना, ब्रायोफाइट्स रहेंगे। ओके देख लीजिए, अरे यार मैंने फिर गड़बड़ कर दी, जिम्नोस्पर्म आएगा। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, वैस्कुलर टिश्यू है, सीड बन रहा है, लेकिन सीड में बाहर सीड कोट नहीं। आप बोलोगे मैम सीड कोट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सीड कोट का मतलब, सीड कोट का मतलब होता है सीड का छिलका, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं छिलका, बीज का छिलका। जैसे आपने वो ग्राउंडनट देखा होगा, मूंगफली, एंड देन मटर देखा होगा, तो मटर के बीज होते हैं और उसमें एक छिलका होता है, सीड कोट उसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशिएटेड बॉडी पैटर्न वाले प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यू के साथ साथ सीड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, बट सीड विथ सीड विदाउट सीड कोट इज प्रेजेंट, दैट मेंबर इज नोन एज जिम्नोस्पर्म। अब सीड विदाउट विथ सीड कोट वाले मेंबर में भी जब देखते हैं तो उसके अंदर हमें कॉर्ड्स मिलते हैं। कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, बीज का नंबर, है ना। जैसे कि है ना, सीड में दो कॉटिलेडन, मतलब बीज बोल सकते हैं हाँ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी के लिए बीयर्स सीड विथ सीड कोट है जगह अपने पास बहुत, ठीक है। सीड कोट लिखने के लिए बीयर्स सीड विथ सीड कोट एंड टू कॉटिलेडन, ऐसे एंड टू कॉटिलेडन्स। बीज में कितने नंबर्स होंगे वो कॉटिलेडन्स कहलाता है ना। तो अगर वन कॉटिलेडन, चलो पहले वन लिख लेते हैं, वन, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिलेडनी, या जनरली ने मोनोकॉट्स प्लांट कहेंगे। एक है तो मोनोकॉट, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, सीड प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड भी है, वैस्कुलर सिस्टम भी है, सीड प्रोड्यूस भी हो रहा है, सीड विथ कोट भी है, बट बियर आर टू कॉटिलेडन, तो हम लिख सकते हैं बियर सीड कोट विथ टू कॉटिलेडन, विथ टू कॉटिलेडन। ठीक है, इसे कहते हैं डाइकॉटिलेडनी या फिर डाइकॉट प्लांट। तो बेटा यही हमको पढ़ना है, यही हमको पढ़ना है, और वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एल्जी, है ना। एल्गल मेंबर को सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, ओके। एल्जी पढ़ेंगे, देन ब्रायोफाइट, दैट मीन्स ये क्या हुआ, अब इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। दिस इज़ द फर्स्ट सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, दिस इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स और इवॉल्व एज कम्पेयर टू एल्जी। तो दिस इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, सेकेंड क्लास भी कह सकते हैं। थर्ड मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी टेरिडोफाइट्स, ओके। समटाइम दिस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंसिडर्ड एज ए ट्रैक्योफाइटा,
कहीं कहीं पर इन्हें ट्रैक्यो कलेक्टिवली ट्रैक्योफाइटा भी कहते हैं, तो वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, अगर बाय चांस कहीं पढ़ लो तो कंफ्यूज मत होना कि इसका मतलब क्या होता है। ये दोनों एक ही क्लास के मेंबर्स रहते हैं, ट्रैक्योफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हमने अब क्या पढ़ना है, फोर्थ जो हम मेंबर पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी की, वो रहेगी जिम्नोस्पर्म। फिफ्थ जो रहेगी वो एक्चुअल में होती है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में ये दोनों आएंगे, तो मैं लिख देती हूँ, वो होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इस एंजियोस्पर्म में, वेट अ मिनट, इस एंजियोस्पर्म में हमें पढ़ना है मोनोकॉट्स के बारे में भी, मतलब शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एंड डायकॉट के बारे, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ रीड करना है, ये मतलब ये सब कुछ पढ़ना है। यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम एक एक मेंबर लेकर के समझेंगे। तो अब हमें पढ़ना है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बोलिए या एल्जी बोलिए, एक ही बात है, ओके। एक मिनट, आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा इस क्लासिफिकेशन में? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ आपका क्वेश्चन का। अगर डाउट है तो अभी क्लियर कर देंगे, अदरवाइज़ फिर हम पढ़ेंगे एलजी को, ठीक है। चलिए जल्दी बता दीजिए, एनी डाउट, कोई डाउट तो नहीं बेटा? सूफी, ठीक है, आपको समझ में आया। आलोक, यू ऑल्सो, देन और कोई स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए प्लीज़, ठीक है। ये देख लो, अब क्या एक्चुअल में क्लासिफिकेशन इतना बड़ा था कि हमें दो स्लाइड लेने की ज़रूरत, अगर वो हौच-पौच हो जाता तो आपको समझ नहीं आता। चलिए बताइए जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम मैम है? मोनेरा, अविरल बता चुकी हूँ, मोनेरा पीडीएफ में रीड कर लेना, सुन लो पहले मेरी बात अविरल, आप पीडीएफ में रीड करके अगर कोई भी आपको डाउट है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि अभी हमारा किंगडम प्लांटी चल रहा है, तो सॉरी यार बेटा मोनेरा, मैं अभी नहीं बता पाऊँगी। आप पीडीएफ में से इसको नोट कर लेना, और कोई डाउट हो ना तो मुझसे कल आप पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी मेहनत आप भी करो, ताकि आपको भी टॉपिक को समझने में और मज़ा आए, ठीक है, नो डाउट, ओके। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे अब एलजी मेंबर को। एलजी को थैलोफाइटा भी कहते हैं, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं, पहले थैलोफाइटा में किंगडम फंजाई, यानी फंजाई को भी इंक्लूड किया जाता था ग्रुप के रूप में, एक मेंबर के रूप में, लेकिन बाद में फंजाई के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिला, अलग प्रकार का उसके अंदर का कॉम्पोजिशन मिला, इस वजह से उसे थैलोफाइटा से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उसको एक अलग ही किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंजाई। तो थैलोफाइटा में हम एलजी को पढ़ रहे हैं बेटा जी, टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है ना तो ही मैं रिप्लाई दे पाऊंगी, अदरवाइज नहीं। चलो अब देख लो इधर, तो क्या एलजी में हम देख रहे हैं थैलोफाइटा, ओके, या थैलोफाइटा में देख रहे हैं एलजी। तो एलजी में मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, मेरे पास दो एग्जाम्पल है, आप चाहे तो ध्यान से देख लीजिए बेटा। तो ये एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं वन बाय वन, इन्हीं एग्जाम्पल को हमको समझना है, ओके। ये कौन सी एग्जाम्पल है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, स्पायरोगायरा लिया है मैंने एक तरफ, मैंने सॉरी स्पायरोगायरा लिया है मैंने इधर, ठीक है, देन मैंने यहाँ पर स्पायरोगायरा के साथ में क्लैमाइडोमोनास, नहीं सॉरी क्लैमाइडोमोनास नहीं है ये तो समवॉट, रुक जाओ इसका नाम बताती हूँ, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, बेटा जब मैंने कह दिया है कि अगर रिलेवेंट क्वेश्चन होगा तो ही रिप्लाई मिलेगा, तो फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पायरोगायरा है ना, इसमें एक यूलोथ्रिक्स लिया है मैंने, एंड मैंने लिया है इसमें युवला, युलवा भी बोलते हैं उसको, है ना, युलवा, हो ठीक है, बेस्ट, सबसे अच्छी बात, ठीक है। चलिए तो एलजी के बारे में हम लिख लेते हैं, एलजी,
एल जी क्या होगा इसका यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो ये होता है नॉन वैस्कुलर, या चलो ऐसे लिखे पहले तो कैरेक्टर, कैरेक्टर में लिखेंगे बॉडी इस थैलॉइड बॉडी, छोटा छोटा लिखते जाते थैलॉइड बॉडी पार्ट या बॉडी पैटर्न। सेकेंड दे आर नॉन वैस्कुलर, दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट, द प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर प्लांट अ फर्स्ट नॉन वैस्कुलर प्लांट, दैट मीन्स वॉट नॉन वैस्कुलर मीन्स वॉट, एबसेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एबसेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ओके जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाएगा। दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट लिख सकते हैं। इसके अलावा और फीचर क्या होगा, मोस्टली दे आर एक्वेटिक, ओके सो दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, दे आर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, ये लिख दिया। हम इसके टाइप्स भी यहाँ पर समझ लेंगे, है ना, थोड़ा सा अच्छे से ही समझेंगे, ये लिख दिया है। इसके अलावा दे कंटेन वॉट, क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसलिए लिख रही हूँ मैं, दे कंटेन्स क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट है क्लोरोफिल, यही तो ग्रीन कलर देगा, दैट मीन्स ये एक पिगमेंट है, और अगर इसकी प्रेजेंस है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। द मेन सेंटर फॉर फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, मेन सेंटर क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसको मदद कराने के लिए कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ओके ऐसे कुछ पिगमेंट्स पाए जाएंगे जो कि क्लोरोफिल के साथ मिलकर के मैंने बोला ना कि मैं अगर आपके लेक्चर में दो तीन बार अगर हंसना दूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है समझ गए हो ना, समझा करो, ठीक है ओके। तो हमने ये लिखा है, इसके अलावा देखो क्लोरोफिल अगर याद आया तो फिर याद करो भाई सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल इज सेल्युलोसिक। आपको जब भी किसी भी टॉपिक को लिखना होता है ना तो देखो कैसे लिखना, पहले तो आप ये जानिए कि वो प्लांट है कि एनिमल है। अब अगर प्लांट है तो भाई प्लांट में सेल वॉल होती है, क्लोरो दैट मीन्स प्लास्टिड होता ही होता है, तो भाई ये दो फिक्स तो कैरेक्टर है। फिर आपको ये देखना है कि वो कैसा है, तो अब यहाँ पर वेरिएशन आया है कि इसकी बॉडी थैलॉइड है, ये नॉन वैस्कुलर है, मतलब बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, बॉडी के अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, सेल वॉल जो होगी सेलुलोसिक होगी, जो बॉडी होगी उस बॉडी के अंदर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म ज़्यादा होंगे इसमें, जैसे ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी, अलग अलग टाइप की एल्जी होंगी, तो दे आर एक्वेटिक, ये सारे एक्वेटिक होंगे, इनकी बॉडी में फोटो अगर सेल वॉल है और ये ग्रीनिश है तो इनमें पिगमेंट होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, लेकिन कुछ अगर रेड और ग्रीन होंगे तो उसमें अलग प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाएगा। ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। सेल्युलोसिक इसके अलावा क्या लिख सकते हैं भाई, न्यूट्रिशन, चलो वो याद आया तो वो लिख लें, न्यूट्रिशन कैसा है इसका, न्यूट्रिशन इज मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, पर कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन, बट एल्जी में आप देखेंगे तो आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक मिलेगा, मतलब ऑटोट्रॉफिक मिलेगा, तो चलो मैं लिख देती हूँ ऑटोट्रॉफिक, प्लांट में एल्जी में आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा आप और क्या ऐड कर सकते हो इसमें, न्यूट्रिशन के साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो इसका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के साथ रिजर्व फूड मटेरियल भी है, एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड का भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ ये मैं बता दूँ, ये है स्पायरोगायरा, ये जो आपको दिख रहा प्लांट है ना, एलजी मतलब प्लांट का एलजी वाला मेंबर, वो है स्पायरोगायरा। लिख दें स्पायरोगायरा, ठीक है। अरे तुम सब अच्छे हो मेरे प्यारे बच्चों, ओके, कोई भी ऐसा नहीं है। ये इलोथ्रिक्स देन, अब तुम्हारे चैट पढ़ने बैठी तो हो गया मेरा काम, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, है ना। ये फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। हाँ जी, चलिए रिप्रोडक्शन लिख दिया, अब रिजर्व फूड मटेरियल भी लिख लेते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, मेनली स्टार्च एंड सम ऑयल ड्रॉपलेट्स, इस तरह से रहेगा। मेनली इसका स्टार्च रहेगा रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन कभी कभी स्टार्च जैसा भी रिजर्व फूड मटेरियल हो सकता है, वो भी मेंबर ऑफ एलजी में, जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, मैनिटॉल होता है, ये स्टार्च से ही मिलता जुलता रिजर्व फूड मटेरियल है। तो रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च, आई थिंक बहुत है। अब हम लिख लेते हैं टाइप, टाइप बोलिए या क्लासेस भी बोल सकते हो। तो इसके टाइप क्या क्या है बेटा, सबसे पहले तो ग्रीन एल्जी लिख लेते हैं, मैं उसका एक एक मेंबर भी आपको बता दूंगी। ग्रीन एल्जी, इसे क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, चलो वो नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल स्पायरो, हाँ लिख दिया था ना स्पायरो वगैरह, चेक कर लेते हैं, एक मिनट चेक कर लेंगे, वेयर इज द रिमोट, यस, ओह स्पेलिंग गलत लिख दी, स्पायरो, स्पायरियो कर दिया मैंने, स्पायरो, स्पायरोगायरा, ठीक है। ये एक तरह का बोल सकते हैं हम अनब्रांच्ड फिलामेंट एलजी होता है। एक सेकंड पूरा ही लिख देती हूँ, इसलिए बोलती हूँ चैट पढ़ने बैठी ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है, ठीक है। स्पायरोगायरा, वही मैं सोच रही हूँ मैंने कुछ तो गड़बड़ की है ना, बाद में याद आ जाता है। स्पायरोगायरा देन रेड एलजी लिख लेते हैं, रेड एलजी, देन रेड एलजी को रोडोफाइसी कहते थे, ठीक है, कहते हैं सॉरी। इसमें पॉलीसाइफो नहीं आ जाएगा, ठीक है। एंड ब्राउन एलजी में फ्यूकस आएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉली साइफोनिया, है ना, सी ब्राउन एलजी फियोफाइसी, इसे फियोफाइसी कहते हैं, चलो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल फ्यूकस लिख लो आप, फ्यूकस, है ना, चल लिख दिया ये ब्राउन एलजी हमने लिख लिया है, रेड एलजी भी लिख लिया है, ओके। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो कुछ इसकी हार्मफुल और यूजफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो इम्पोर्टेंस में मैं दोनों ही बता रही हूँ, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस में हम यूज़फुल अगर इसके एक्टिविटीज़ देखें तो यूज़फुल में क्या है, ये एज ए फूड यूज़ किया जाता है, एज ए फोडर इसका यूज़ किया जाएगा, है ना, जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको एज ए फोडर इन्हें दिया जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होगा, अगर अगर मीडियम बनता है इंडस्ट्री में। इसके अलावा केमिकल्स भी इसके द्वारा बनेंगे, तो इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, एसेट्रा और भी हैं, बट काफ़ी हमें तीन यूज़फुल एक्टिविटीज़ देखने में, ठीक है। हार्मफुल एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो,
तो इट्स क्रिएट अ स्कम. स्कम मतलब पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है. जो अंदर के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ये ही सनलाइट सप्लाई नहीं होने देगा, डिजोल्व ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ कर लेगा. तो इस तरीके से चलो तुम तो देख लो बेटा, अगर मैं देखने बैठी तो हो गया काम. हार्मफुल में आप देख सकते हैं कि ये अलगल ब्लूम करता है. आपने देखा होगा कहीं रुका हुआ पानी और वहाँ एलजी जो है जमा होने लगता है, तो वो ब्लूमिंग करता है, मतलब विस्फोट होता है और उसकी ब्लूमिंग हो जाती है और वो वहाँ पर सरफेस पर एक साथ प्रेजेंट होता है कॉलोनी के फॉर्म में, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जो एनिमल है उन्हें प्रॉपर हीट, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, प्रॉपर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है. इसके अलावा ये स्कम गंदगी भी फैलाता है. इसके अलावा अगर आप एलजी से देखो तो एलजी कभी कभी जो है वो रिएक्शन भी क्रिएट कर सकता है. ठीक है बेटा, क्लियर. टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, फाउल ऑडर्स प्रोड्यूस करता है. इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है बेटा, ये भी मैं बता दूँ. ठीक है, हाँ हार्मफुल में हम लिख लेते हैं कि एक तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है. टॉक्सिसिटी का मतलब होता है बेटा जी टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसे मटेरियल एलजी रिलीज करेगा, देन डैमेज करेगा, डैमेज द लाइफ फॉर्म्स, डैमेज द लाइफ फॉर्म, अदर लाइफ फॉर्म, दूसरे जो भी जीवित हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा, अदर लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, एंड देन हम लिख सकते हैं इसमें एक और हार्मफुल एक्टिविटी लिख सकते हैं कि ये फाउल ऑर्डर यानी बदबू क्रिएट करता है ना, गंदी स्मेल आती है. फाउल ऑर्डर मतलब गंद होता है ना, ODUR ऑर्डर, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर है. ठीक है, इन एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है, लिख देती हूँ. एग्रीकल्चर में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, मैन्योर सरीन में, फर्टिलाइजर्स में. और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ होता है सीवेज ट्रीटमेंट में, वो भी लिख लें. सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है, वहाँ पर एलजी का यूज़ किया जाएगा ताकि वहाँ के जो भी एरोबिक बैक्टीरियाज है वो दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस और एरोबिक बैक्टीरिया हमारे सीवेज को ट्रीट करें, या हमारे बोल सकते हैं जो कि हमारा वेस्ट वाटर होता है उसे ट्रीट करें. ठीक है बेटा, चले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. ठीक है, इसको फटाफट देख लीजिए प्लीज़, काफ़ी हमारे लिए आज समझने के लिए. ठीक है, हम कल जो है वो देख सकते हैं बाकी मेंबर्स को. बेटा मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है वो कभी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे अदर इतना डिटेल में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा. आपने एलजी नाम ज़रूर सुना होगा, ब्रायोफाइट्स नहीं भी सुना होगा, भूल गए होंगे, इसलिए इन चैप्टर को आपको बहुत आराम से मतलब मेरे द्वारा आराम से और डिटेल में बताया जा रहा है, ताकि जब आप समझे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए आपके एक लेवल तक. ठीक है, समझ गए बेटा. एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है आप लोगों ने, अभी मैंने देखा है इतनी अच्छी पढ़ाई करते हो, मतलब आप मल्टी टैलेंटेड बच्चे हो. मैं मतलब मान गई आप बच्चों को कि मस्त चैट भी चल रहा है अपना और मैडम की बातों का रिप्लाई भी दिया जा रहा है, और भाई कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी नहीं पूछा जाता. क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने इसको ध्यान से नहीं देखा होता है, नहीं तो फटाफट अभी क्वेश्चन निकलते कि मैडम आप मुझे बता दीजिए यूलोथ्रिक्स ऐसा क्यों दिख रहा है, स्पायरोगायरा में क्या डिफरेंस है. तो मैं आपको बताती कि जो स्पायरोगायरा होता है ये अनब्रांच्ड होता है. ठीक है, और इसमें आपको बॉडी फिलामेंटस दिखाई दे रही है. ठीक है, क्लियर. ऐसे ही आपको यूलोथ्रिक्स में भी बॉडी फिलामेंटस यानी कि इलॉन्गेटेड दिखाई दे रही है, जबकि हमने जो एक और यहाँ पर एलजी कंसिडर किया है उसकी बॉडी कैसी, थैलॉइड है, हम सारी थैलॉइड है पर इसकी बॉडी कैसी दिखाई दे रही है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में या समवॉट इरेगुलर मैनर में दिखाई दे रही है. हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. फ्लैट और थैलस लाइक पूरी दिखाई दे रही, थैलस का मतलब रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं. अब ये तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएट नहीं, बट फिर भी ये फिलामेंटस बॉडी. तो मैं आपको एक बात और नोट करा दूं कि थैलॉइड बॉडी पैटर्न के साथ फिलामेंटस, इतना डिटेल में वैसे जाना नहीं था पर ठीक है, फिलामेंटस ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड बॉडी भी रहती है. ब्रांच्ड
एंड अनब्रांच्ड बॉडी भी रहती है, क्योंकि डायग्राम लिया है तो भाई पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि भाई कोई एक पतली सी आपने ऐसी स्टिक ले ली, पर एक स्टिक नहीं, ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, एलजी का ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, आई नो बेटा, मैं आपकी मैम हूँ और इतने दिनों से पढ़ा रही, तो मैं आपको नहीं जानूंगी क्या, है ना। चलिए, कोई प्रॉब्लम है? जैसे भाई हमारे एक प्रथा है कि पूछना पड़ता है बच्चों से कि आपको कोई परेशानी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वही प्रथा मैं निभा रही हूँ। आप अगर अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप भी वैसा ही रिप्लाई देंगे जैसा मैं चाहती हूँ कि हाँ मैम ये नहीं है तो हाँ ठीक है, पूरा क्लियर। ठीक है, अनिकेत यू बिलोंग्स टू विच स्कूल? अनिकेत देर इज नथिंग, वट देर इज नथिंग, ओके। एक बार फिर से पूछिए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों को सब समझ में आया तो फिर भी मिलेंगे हम लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड बाय। अगर एक दूसरे से आई एम फ्रॉम देवा स्कूल में, अबे गधे ये तो मुझे भी पता है।